हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैकनेक पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने अपने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है, चेस्ट के पास से मैंने 10 इंच लिया है और नीचे से भी मैंने 10 इंच लिया है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। नेक की जो चौड़ाई ली है मैंने वो 2.2 ली है और यहाँ से मैं जो नेक की लंबाई लूँगी वो 10 इंच पे लूँगी। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो मेन फैब्रिक को हटा देते हैं पहले। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं 2.5 इंच ऊपर लेकर इस तरीके से शेप बना लूँगी। इस पट्टी का यूज़ हम अपने डिज़ाइन बनाने के लिए करेंगे, तो अभी हम इसको साइड कर देते हैं। तो देखिए, अब हम अपने नेक को तैयार कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है, हम उसके ऊपर इस तरीके से अपने अस्तर को रखेंगे, बराबर रख के हम अच्छे से सेट कर लेंगे अपने अस्तर को कपड़े के साथ। अब हम उसके नेक पर सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से 1 फुट की मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है। हमने गले पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे कमर की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए, दोनों कपड़ों को बराबर कर लेना है। 1/2 इंच की मार्जिन से हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से। अब हम अपने नेक को कट कर लेंगे। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे हम। कट लगाने से हमारा जो कपड़ा होता है वो आराम से पलट जाता है। देखिए, अब इसको हम बीच से इस तरीके से पलट देंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा नेक बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से बनेगा हमारा नेक। अब हम बड़े टाके की चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम टक्स डाल लेंगे। देखिए, यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरफ से भी 4 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ मैं 4.5 इंच लूँगी और इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके हम टक्स डाल लेंगे। दोनों टक्स डाल लिए हैं हमने। अब हम इसमें जो डिज़ाइन बनाना है हम उसको तैयार कर लेंगे। तो हम इसको साइड कर देते हैं और जो कपड़ा हमने कट करके साइड रखा था, देखिए ये वाला, हम इसके अकॉर्डिंग पेपर पे नाप लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से नाप लगाना है। ऊपर से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से भी हल्का सा बढ़ाते हुए हमें शेप लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस पे जो डिज़ाइन बनाना है उसको तैयार करेंगे। देखिए, हमने एक लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। देखिए, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम और सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को हमें पलट लेना है। देखिए, किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी पट्टी को पलट लिया है। हम अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। 3 इंच में हम इसको कट कर लेंगे। हमको अपनी सारी पट्टियों को 3-3 इंच में कट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। देखिए, हमने सारे पीस इस तरीके से कट कर लिए। अब हम इसको बीच सेंटर से इस तरीके से सुई से इसको टक करेंगे। इस तरीके से हम इसको राउंड करेंगे। एक छोटा सा मोती लिया है मैंने गोल्डन कलर का, इस तरीके से बीचों बीच से निकालेंगे
और इस तरीके से टक कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमें मोती लगा के सारे पीस तैयार कर लेने हैं। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से सेंटर से हमें सुई निकाल लेना है और उसको 2 से 3 बार गोल लपेटना है और मोती से हमें टक कर लेना है। देखिए इसमें हम मोती लगा लेंगे। देखिए अच्छे से टक हो गया है। हम इसी तरीके से सारे पीस तैयार करेंगे। देखिए हमने सारे पीस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अपने पेपर जो कट किया था उस पर लगा लेंगे। बिल्कुल पास पास हमको रखते जाना है। देखिए इस तरीके से। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे और नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ से भी हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब हम ऊपर की तरफ इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच की अरेबिक पट्टी कट करके रखी हुई थी, हम उससे पाइपिंग बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमको लगाना है पट्टी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से 2 बार हमको फोल्ड करना है अपनी पट्टी को और बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बना लेना है हमें। देखिए हमारा जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने ब्लाउज पे लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बीचों बीच से रखना है सेंटर से और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं पर मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी इसलिए मैं इसको यहाँ से अटैच कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर हमें सिलाई चलानी है। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक पर लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। हमने ऊपर की तरफ लेस लगा ली है, अब हम नीचे कमर की तरफ भी लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बराबर रख के हमको लेस लगाना है। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इस पर डोरी लगा लूँगी। देखिए शोल्डर के पास से हम 2 या 2.5 इंच नीचे लेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम नीचे रखेंगे डोरी को और अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें डोरी को इसी तरह अटैच कर लेना है। देखिए आप रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं, मैं इसमें कपड़े पे बना के ही लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा लटकन भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।